कांग्रेसियों का प्रदर्शन, जल निगम का पुतला फूका। मुरादाबाद में पिछले कई साल से की जा रही सड़कों की खुदाई से होने वाली परेशानी से परेशान होकर आज कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और LNT कंपनी जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला फूका। मुरादाबाद शहर की घनी बस्तियों में पिछले कई सालों से सड़कों में पाइप डालने के नाम पर खुदाई की जा रही है, जिसे आम शहरी प्रदूषण की समस्या झेलने को मजबूर है। यहां आपको बता दें कि 4 साल पूर्व गल शहीद क्षेत्र से इंदिरा चौक पर LNT कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। उस समय 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सड़क खुदाई बंद भी हो गई थी, लेकिन बाद में फिर से शहर की सड़कें लगातार खोदी जा रही हैं, जिसके चलते आम शहरी प्रदूषण की मार झेल रहा है। इसके विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और LNT कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कंपनी का पुतला भी फूका। ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर NLP जो ये जो लाइनें पड़ रही है, ये बहुत गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें नई अभी बनाई गई थी उनको भी 3-4 दिन के अंदर फिर पहले सड़कें बनाई जा रही हैं, फिर उनको खोद दिया जा रहा है और वहाँ पर सीवर लाइन बनाने का काम चल रहा है। तो ये सब सामने भ्रष्टाचार बिल्कुल खुला है, तो इससे जो है पूरा शहरवासी तो परेशान नहीं है। यहाँ त्राही त्राही मची हुई है और सरकारें जो है सब अपना सरकारें बनाने बनाने में लगी हुई है। तो मेरा बस यही है कि अगर ये सड़कें जल्दी ना बनी तो एक और बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर आकर जनता करेगी।